बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक चल रही है तो दिल्ली में होने वाली आज एनडीए की बैठक। लेकिन इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर करारा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विजुअली इनॉग्रेशन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष पर करारे वार किए, करारा हमला किया। मोदी ने चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों और नेताओं पर हमला बोला, तुकबंदियों के जरिए विपक्ष की पखिया उधेड़ने की भी कोशिश की, परिवारवाद से लेकर तुष्टीकरण पर सब पर हमला बोला। जिस वक्त मोदी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे उस वक्त विपक्ष की बैठक शुरू हो चुकी थी। 26 विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में इस बात पर मंथन कर रही थी कि 2024 में मोदी को सत्ता में आने से कैसे रोकना है। तो बड़ी खबर यह है कि विपक्ष की बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है, जहां बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन को लेकर बात कही गई। इनका लेवल कुछ और है और प्रोडक्ट कुछ और, घोटाले की गारंटी इनका प्रोडक्ट। इनके लिए नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विषता असरदार, तन्विषता टैबलेट्स। मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टीकरण है मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है, इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, जहां इनका प्रोजेक्ट है 20 लाख के घोटाले की गारंटी। भारत की बदहाली के लिए जिम्मेदार दुकान खोलकर बैठ गए हैं, कैमरे के एक फ्रेम में लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है, एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है,
पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार।